नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूँ राधिका। यूपी के शामली के रहने वाले 2 फुट के अजीम मंसूरी अपनी शादी के लिए बहुत परेशान थे, लेकिन अब अजीम मंसूरी की दुआ कबूल हो गई है। अजीम मंसूरी की दुआ कबूल होते ही उनके परिवार में जश्न का माहौल है। जी हाँ, अजीम मंसूरी को उनकी दुल्हनिया मिल गई है। 2 फीट 3 इंच के अजीम मंसूरी अपनी कदकाठी की वजह से शादी ना होने के चलते परेशान थे। उन्होंने थाने पहुंचकर पुलिस से शादी करने की गुहार भी लगाई थी। इसके बाद वो सोशल मीडिया पर वायरल हुए थे। सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद अजीम मंसूरी के लिए रिश्तों की लाइन लग गई थी और आखिरकार अब जाकर उन्हें उनकी हम सफर मिल ही गई। उनकी शादी हापुड़ की रहने वाली बुशरा से तय हो गई है। उनकी दुल्हनिया की कदकाठी भी उनके जैसी ही है। रिश्ता तय होने के बाद अजीम ने हापुड़ पहुंचकर बुशरा से सगाई भी कर ली है। अजीम ने हापुड़ पहुंचकर बुशरा को एक सोने की अंगूठी और 2100 रुपए शगुन के तौर पर दिए, तो वहीं बुशरा के परिवार ने अजीम को एक सोने की अंगूठी और 3100 रुपए देकर रिश्ता पक्का कर लिया। एक समय ऐसा था कि अजीम अपनी शादी के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे थे। यहाँ तक कि शादी करवाने के लिए उन्होंने कोतवाली पहुंचकर पुलिस अधिकारियों से गुहार भी लगाई थी। पुलिस भी अजीम मंसूरी की शिकायत सुनने के बाद हैरान रह गई थी। अजीम मंसूरी ने महिला थाने पहुंचकर पुलिस से गुहार लगाई थी कि उनकी शादी करा दी जाए। इतना ही नहीं, अजीम ने सीएम योगी और अखिलेश यादव से भी अपनी शादी को लेकर चर्चा की थी, लेकिन अब सगाई पक्की होने के बाद अजीम खुशी से फूले नहीं समा रहे। बता दें कि अजीम की होने वाली दुल्हन बुशरा बीकॉम फर्स्ट ईयर की पढ़ाई कर रही हैं और उनकी पढ़ाई पूरी होने के बाद दोनों का निकाह हो जाएगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।